कांग्रेस परिवार में मैं हेमू मैदानाम जी बेनीवाल का स्वागत करता हूं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव बाड़मेर जैसलमेर की तरफ से इनको दिया गया है उनको स्वीकृत करकर और आज कांग्रेस परिवार में उनको शामिल किया। आज देश के अंदर जो देश जय जवान जय किसान के नारे से गूंजता था और हर किसी किसान और नौजवान के लिए जो स्थितियां थी वो आज स्थितियां कहां कैसे इस स्थिति में है वो सबसे बड़ा चिंताजनक। आज संविधान की क्या स्थिति है, संविधानिक संस्थाओं की क्या स्थिति है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो देश से प्यार करता है, किसान से, नौजवान से प्यार करता है, उसके लिए संघर्ष करता है, आज ये वक्त आ चुका है कि उन सबको शामिल होकर और एक बड़े संघर्ष से इस देश को बचाना है। मैदानाम जी बेनीवाल ने जो सार्वजनिक जीवन के अंदर गरिमा रखी, जो उनका योगदान था, अच्छे शब्दों का उपयोग किया, उन्होंने सार्वजनिक जीवन के अंदर एक अच्छा जीवन आदर्श के रूप के अंदर रखा। आपस में हम लोगों ने चुनाव भी लड़े, उस चुनाव के अंदर भी जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, जो उनकी खुद की है चरित्र रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने विपक्षी भूमिका भी निभाई है। मैं उनका स्वागत करता हूं बाड़मेर जैसलमेर में तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तारीफ किया, उसके लिए भी तहे से धन्यवाद। और मैदानाम जी बेनीवाल को शुभकामनाएं देता हूँ कि जो संघर्ष हम सब लोगों के सामने है उस संघर्ष के अंदर हम लोग शामिल होकर और इस देश को, किसान को, नौजवान को हम लोग उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, ये शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद जय। और जसाराम जी को भी जो प्रशासनिक सेवा रिटायरमेंट के बाद में उनका एक अच्छा योगदान रहा है, जहां जब जरूरत पड़ी जो संघर्ष के अंदर नौजवानों के लिए, ओबीसी के लिए, किसान के लिए, उसमें भी उनकी काफी बेहतरीन भूमिका रही है। तो कांग्रेस परिवार में शामिल हुए उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया।